विगत दिनों से रतनपुर सड़क बाढ़ 84 में नो एंट्री में भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें अधिकतम रेत खनन की गाड़ियां रफ्तार से निकल रही हैं। काफी बार ग्रामवासियों द्वारा समझाने पर भी गाड़ियों की आवागमन बंद नहीं हुई। गाड़ियों के कारण ग्राम के अंदर कई छोटे बड़े हादसे आए दिन हो रहे हैं। शासन प्रशासन को भी कई बार इस बारे में गांव वालों ने सूचित किया, किंतु कोई हल नहीं निकला। कल दिनांक 8/3/2022 से सभी ग्रामवासियों के सहयोग से हमने खुद ही गाड़ियों का आवागमन बंद करवाया। तब जाकर पता चला कि एक दिन में कम से कम 300 भारी वाहन ग्राम में प्रवेश करते हैं। हमारे इस कार्य में कल से मिश्रोद थाना द्वारा मदद मिली। हमारा शासन प्रशासन से निवेदन है कि जो कदम ग्रामवासियों द्वारा उठाया गया है, उसमें पूर्ण रूप से सहयोग मिले, यही हमारी मांग है। मैं रवि परमार, ग्राम रतनपुर बाट क्रमांक 84। यहाँ पे आए दिन छोटे छोटे और एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। बच्ची है गांव की, जो बंसल हॉस्पिटल में 4 दिन से ICU में है, जिसने अभी तक आंखें नहीं खोली है। और यहां पे अवैध खनन का जो कारोबार चल रहा है, जो रेत वाले यहां पे अवैध खनन का कारोबार चला रहे हैं। होशंगाबाद रोड और कोलार को जोड़ने वाला रतनपुर सड़क है, वार्ड क्रमांक 84 में आता है। उसके बाद सारे रेत वाले इसमें अवैध खनन चला रहे हैं, जो पूरा का पूरा तरह इलीगल है। हमने मिश्रो थाने में TI साहब से मदद मांगी है। TI साहब ने कल 2 सिपाही दिए थे, आज कोई नहीं है। 2 दिन से हम लोग यहाँ पे जाम लगा के बैठे हुए हैं। हमारा प्रशासन से यही निवेदन है कि वो हमारी पूरी तरह मदद करें। मेरा नाम दीपक परमार है। दीपक परमार जी, क्या समस्या है यहाँ पर? सर यहाँ पे हमें ये समस्या है कि पूरे ग्रामवासी ये ट्रकों से संचालकों से बड़ा परेशान है। नो एंट्री लगती है अपनी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक जी, उसके बावजूद भी नो एंट्री में गाड़ियां घुसती है। हालांकि नगर निगम क्षेत्र है, रतनपुर नगर निगम में आता, उसके बाद भी गाड़ियां घुस रही है, जिसमें शासन प्रशासन हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आज से 6 महीने 1 साल पहले से ज्ञापन दिए, उसके बाद अभी हमने कल या परसों में ज्ञापन दिया था। जब जाके TI साहब ने हमारी कल बात सुनी, जब जाके हमें 3 बैरिकेटर दिए, 2 पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कल दिन में रुके वो और हमारी समस्या को समझा। अभी तो कोई भी बैठा हुआ नहीं है पुलिस वाला? सर कोई भी नहीं है। जब वो कल आए थे वो भी 2 घंटे बैठ के वो चले गए। उसके बाद रतनपुर ग्रामवासी खड़े हुए, उससे हम लोग बैठे हैं। हम कल सुबह से अभी तक सब लोग बैठे हुए। क्या क्या घटना हो चुकी है यहाँ पर अभी? यहाँ पे सर कई घटना हो चुकी है। अभी थोड़े दिन पहले पिछले महीने एक ट्रक का टायर फूटा था, जिसमें 2 लोग घायल हुए थे। एक को सर में चोट आई थी, एक को पेट में चोट आई थी। कई बार क्या होता है कि ये हमारी जो ब्रिज है, अंडर ब्रिज, इसकी घाटी ज़्यादा है। इस कारण क्या होता है सर कि ट्रक जाते और वापस लौट आते, ओवरलोड आते हैं माल, रेत ओवरलोड आ रही है, चढ़ता और वापस वाहन आ जाता है पीछे का, आदमी परेशान है। रतनपुर सड़क बाट 84 से हम सब लोग आज पूरे गांव वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि कुछ समय से हम लोग ये हैवी वाहन चालक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये रोड आपका 11 मील से शुरू होता है, कोलार निकलता है। कई दफ़ा सब लोगों को समझाया है, सारे ट्रक वालों को समझाया है कि अपनी स्थिति स्पीड पे नियंत्रण रखें, लेकिन हर दिन हर 8वें दिन यहाँ एक ना एक हादसा हो रहा है। अभी पिछले दिनों एक यहाँ पे जो गाड़ियाँ सिखाने के लिए आते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वाले, इन लोगों ने गाड़ी सिखाने के लिए यहाँ गाड़ी लगाई और एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया। वो बच्ची अभी भी ICU में बंसल हॉस्पिटल में एडमिट है। सारे ट्रक वालों को समझा दिया, कल संचालक गाड़ी चालकों ने काफ़ी प्रयास किया हम लोगों को डराने का, गांव वालों को दबाने का प्रयास किया, लेकिन हम नहीं डरे। हम सारे एक से एक कंधे से कंधा मिला के एकजुट होकर यहाँ खड़े हुए हैं। हमारी शासन से प्रशासन से काफ़ी दिनों से हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि लेकिन हमारी ये सुनने को तैयार नहीं थे। कल हमने जब हमारा असली रूप दिखाया प्रशासन को कि हम गांव वाले सारे एकत्रित होकर यहाँ खड़े हुए, तब जाके हमने पुलिस वालों से यहाँ बैरिकेड लगाई। TI साहब ने हालांकि हमारी अब जाके मदद करी। हम इनसे काफ़ी दिनों से शासन से मांग कर रहे हैं कि ये रोड सुबह 7 बजे से लेके आपको शाम को रात को 11 बजे तक बंद करना ही पड़ेगा कैसे भी, क्योंकि हमारी मांग ये, क्योंकि हर दिन अभी एक हफ्ते पहले एक गाय को निपटा दिया एक ट्रक वाले ने, कि कुछ दिन पहले अभी ये बच्ची का, वो बच्ची इतनी सीरियस है कि वो वेंटिलेटर पे है, अभी बंसल हॉस्पिटल में एडमिट है वो। उसकी वो ना तो कोई ना शासन सुनता है ना शासन को दिखता है। हर बार हमने पिछली बार भी ये पुलिया के लेके भी बताया था हमने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं इस पुलिया को लेके भी बोला था कि इसमें इतनी चढ़ावट है कि एक दिन ये भी जान लेके रहेगी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना कोई हमारी मांग सुन रहा है। हमारा शासन से सिर्फ एक ही चीज़ का कहना है कि यहाँ पे 1 ना 2 पुलिस वाले बिठाइए और ये रोड सुबह 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक बंद रहेगा। इस मामले लेकर कहीं ज्ञापन दिया आपने? हमने कल TI साहब को अभी ज्ञापन दिया है। TI साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने कल 2 पुलिस वालों को भेजा भी था, और काफ़ी इस टाइम पर अभी शासन अब सहयोग कर रहा है। जब ये इतना भयानक हादसा हो चुका, उसके बाद में हमने कोशिश करी थी बहुत बार भी समझाने की कि ट्रक वालों को भी समझाते हैं, ट्रक मालिकों को भी समझाते हैं, लेकिन सब हम पे दबिश करते हैं। यहाँ से अवैध खनन का रोड बना लिया है, यहाँ से सीधा कोलार ले जाते हैं, सलैया ले जाते हैं, इसको पूरा एक अलग तरीका, क्योंकि 11 मील पे बंद हो जाता है रोड, वहाँ पे नो एंट्री बंद है, तो नो एंट्री का इस रोड को बना के रखा है हमने।
नो एंट्री भी यहीं से बाहर नो एंट्री भी यहीं से इन्होंने चालू करके रखी सारे ओवरलोड लगभग 100-150 गाड़ी ओवरलोड होकर यहाँ से डेली पर 200 गाड़ी निकलती है।